press the subscribe button for latest updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे को नई वीडियो पे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको महिंद्रा XUV300 के MID के बारे में या इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, बीच में MID है, दोनों तरफ इसमें स्पीड से रिलेटेड और RPM से रिलेटेड मीटर दिए हुए हैं। नीचे आपको सिंबल्स मिल जाते हैं इंजन इमोबिलाइजर वगैरह के, और फ्यूल वार्निंग दिखा रहा है। दोस्तों देखो, दोस्तों इसके अंदर आपको लेफ़्ट साइड मिलेगा दोस्तों ये RPM मीटर, बीच में दोस्तों MID में हीट के लिए ये फ्यूल गेज है, साइड में स्पीडोमीटर दोस्तों आपकी स्पीड बताता रहेगा, और दोस्तों बीच में MID के अंदर फंक्शन देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों आउटसाइड टेम्परेचर दिखा देगा, टाइम वगैरह, एवरेज रन टाइम वगैरह सब कुछ दिखाता है इसके अंदर। तो तीन बटन दिए हुए हैं सेट, ट्रिप और स्टेयरिंग कम्फर्ट का। दोस्तों स्टेयरिंग वाला बटन दबाओगे तो स्टेयरिंग मोड कम्फर्ट, मतलब कम्फर्ट वाला मोड ऑन हो चुका है इसमें। दोस्तों स्टेयरिंग का जो फीडबैक है अलग अलग आता है, लाइट या फिर हार्ड हो जाता है। दोस्तों ट्रिप वाला बटन दबाएंगे तो आप इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्पीड आपकी डिजिटल स्पीड जो है वो दिखाएगा, उसके बाद दोस्तों आउटसाइड टेम्परेचर, उसके बाद दोस्तों सेटिंग्स हैं क्लस्टर की, सेटिंग्स आप कर सकते हो इसके अंदर जाके, वो भी आपको दिखाऊंगा कि सेटिंग्स अंदर क्या क्या ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलते हैं। एवरेज स्पीड दिखा रहा है दोस्तों, ड्राइविंग टाइम दिखा रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है दोस्तों, एवरेज दिखा रहा है 10 किलोमीटर पर लीटर की ये स्पीड, वही सब चीज़ें। दोस्तों हम एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग में जाते हैं। दोस्तों एंटर वाले बटन का आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। दोस्तों लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप इसके अंदर चले जाओगे, और इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग है दोस्तों, कलर सेटिंग है, उसके नीचे ब्राइटनेस है, और स्पीड फ्लैश है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आगे से रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो एक बार थोड़ा एडजस्ट करके देखता हूँ, अभी एक बार दोबारा जाना पड़ेगा दोस्तों, 5 सेकंड के बाद ये दोबारा जो नॉर्मल मोड है उस पर आ जाता है ये। दोस्तों आपको जाना पड़ेगा दोबारा क्लस्टर सेटिंग्स पे, उसके बाद उसके अंदर आपको एंटर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों कलर सेटिंग है, ब्राइटनेस है, ओवर स्पीड फ्लैश है मतलब वार्निंग वगैरह, और दोस्तों ये वेलकम साउंड जो इसमें जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं साउंड आता है वो, तो 4-5 चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपको इसके अंदर फंक्शन मिलेंगे नहीं, पर जो आपको ज़रूरत है वो सारी फंक्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो दोस्तों यही सब था वीडियो में, उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।